हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बलून नोजल से आप कैसा फ्लावर बना सकते हैं अपने केक के ऊपर वो दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, आप जब बलून नोजल का यूज़ करेंगे तो आपको अपने हाथों को ट्विस्ट करते हुए ही फ्लावर को बनाना है। आप चाहें तो टर्न टेबल को भी ट्विस्ट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू आप अपने हाथों को ट्विस्ट करते हुए फ्लावर बनाएंगे तो ये जो फ्रिल्स बनती है ना वो काफ़ी सुंदर बनने वाली है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं एक नोज़ल को निकाल रही हूँ फ्लावर बनाने के बाद, तो वो पूरा फ्लावर ही उठकर बाहर आ रहा है। मतलब वहाँ पे नोज़ल निकल ही नहीं रहा था, मुझे अपने हाथों का यूज़ करना पड़ा नोज़ल को निकालने के लिए। तो आपको ना बहुत ज़्यादा स्टिफ क्रीम यूज़ नहीं करनी है। मैंने इस पार्ट को कट नहीं किया ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ और आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो। फिर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ही क्रीम को हल्का सा मिक्स कर दिया था, तो वो स्टिफ से काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, फिर काफ़ी अच्छे फ्लावर बन रहे थे। मतलब आसानी से नोज़ल जो है वो फ्लावर बनने के बाद निकल रहा था और आप इसकी फ्रिल देख सकते हैं। मतलब वाव, कितनी अच्छी फ्रिल बन रही थी। और यहाँ पर देखिए, मैंने ना येलो क्रीम के साथ शेडेड थोड़ा सा मतलब ब्लू और ग्रीन को भी यूज़ किया है, तो ये जो फ्लावर हमारे बन रहे हैं ना, तो वो येलो के साथ जब ये दो कलर और आ रहे हैं ना, तो हमारे फ्लावर और भी उभर कर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो आप भी ऐसे शेडेड फ्लावर बना सकते हैं, आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो आप वो यूज़ कीजिए। पर हाँ, मतलब जब भी आप केक बनाइए तो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए जो सच में सामने वाले को भी अच्छा लगे, आपके कस्टमर को भी पसंद आए। मतलब किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ये सब आपको मतलब चूज़ करके ही यूज़ करना है। और फिर मैंने लीफ बना दी। लीफ बनाने के लिए मैंने लीफ नोज़ल का यूज़ किया है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाइपिंग बैग को भी कट करके बहुत अच्छी लीफ बना सकते हैं, बहुत सुंदर लीफ बनती है उससे भी। और फिर देखिए, मैंने वहाँ पे जो फ्लावर्स के बीच में मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने एक नोज़ल से उसके बीच में भी छोटे छोटे फ्लावर रख दिए, तो और भी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने आपको जो नोज़ल अभी दिखाया उससे देखिए, मैंने नीचे यहाँ पर छोटे छोटे से स्टार रख के केक के बॉटम को कवर कर दिया है, तो वो और भी सुंदर लगने लगा था हमारा केक। तो ये ऑर्डर मुझे हाफ केजी का पाइनएप्पल केक का मिला था, और मतलब मेरे कस्टमर को बहुत भरा भरा सा केक चाहिए था, मतलब काफ़ी सारे फ्लावर्स वाला केक चाहिए था। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा वाला बलून नोज़ल यूज़ किया था, तो हमारे मुझे चार फ्लावर ही बनाने पड़े थे और हमारा केक कवर हो गया था। बलून नोज़ल में और भी नंबर आते हैं, इसे छोटा भी आता है, तो मैं उसकी डिज़ाइन भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके फ्लावर्स कैसे बनते हैं वो भी आप सबके साथ अपने आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। फिर मैंने डाल दी कुछ सिल्वर स्प्रिंकल, और मैंने इस केक को 330 चार्ज किया है, क्योंकि मैंने इस पर एक बर्थडे टैग लगाया था, तो मैंने उसका 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, वरना मैं हाफ़ केजी का केक के लिए 300 ही चार्ज करती हूँ। तो आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको ये केक डेकोरेशन पसंद आया या नहीं। और इसकी फिलिंग में मैंने पाइनएप्पल क्रेस और ट्यूटी फ्रूटी का यूज़ किया था, तो देखने के साथ साथ ये खाने में सच में बहुत यम है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होने देखिएगा। और मेरी हर वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।